मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क पर 10 से अधिक लोगों को रौंद दिया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश की सरपट सड़कों पर अंधगति से दौड़ते वाहन लोगों की जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। ताजा मामला रतलाम शहर से करीब 27 किलोमीटर दूर सातरुंडा चौराहे का है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया, जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक ट्रक तेज रफ्तार से आता है, पहले ट्रक 2 बाइक सवारों को टक्कर मारता है, फिर डिवाइडर की ओर बस का इंतजार कर रहे लोगों को रौंद कर आगे निकल जाता है। घटना की सूचना मिलने के बाद बिलपांग थाना पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज पहुंचाया है। सर, घटनाक्रम हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, क्या पूरा घटनाक्रम? आज शाम को बिलपांग थाना क्षेत्र अंतर्गत एक यातायात दुर्घटना हुई है, काफ़ी दुखद दुर्घटना है। इसमें अब तक जो है 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है और लगभग 11 से 12 जो अन्य व्यक्ति हैं जो इलाजरत हैं जिला अस्पताल में। मैंने और कलेक्टर साहब ने संयुक्त रूप से तत्काल मौके पर निरीक्षण भी किया और वहां से सभी घायलों को रवाना करवाया जिला अस्पताल के लिए। वहां पर देखने पे प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि जो ट्रक चालक था वो रतलाम की तरफ से और इंदौर की तरफ जो अपना 4 लेन है उस मार्ग पर जा रहा था और वहाँ पर किसी कारण से ट्रक असंतुलित हुआ, जो देखने से ऐसा संभवतः लग रहा है क्योंकि एक टायर भी फटा हुआ है, तो हो सकता है कि टायर फटने से ट्रक का संतुलन बिगड़ा हो और जिस कारण से सड़क के किनारे खड़े हुए 15-16 लोग इसकी चपेट में आए हैं, जिनमें से 5 लोगों की दर्दनाक उसमें मृत्यु हुई है, जो दुखद है। और साथ ही अन्य जो 11-12 घायल व्यक्ति हैं वो जिला अस्पताल में उनका समुचित इलाज कराया जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने पहुंचकर उनके इलाज के लिए जो भी पूरी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई हैं और यदि उनमें से किसी व्यक्ति को आवश्यकता हो तो उसको तत्काल आगे भी रेफर किया जाएगा। ट्रक ड्राइवर आइडेंटिफाई हुआ है कि कोई गिरफ्तारी हुई? ट्रक तो मौके से ही उसको जब्ती में ले लिया गया है, ट्रक मौके पर ही था और ट्रक ड्राइवर वहाँ से भागा था, तो उसको भी कुछ घायल हुए हैं, किस तरह से? देखिए, जैसा आपको विदित है कि अभी रतलाम जिले के जो सातरुंडा गाँव है वहाँ एक ट्रक जो चल रोड पे जा रहा था उसमें अचानक उसका टायर बस्ट हुआ, जिसके कारण से एक घटना घटी है और जो ट्रक है जो पास में खड़े लोग और जो मोटरसाइकिल इत्यादि वहाँ से जा रही थी उस पर घुसा, और जिसमें अभी की स्थिति में अभी एक और को टोटल अभी तक 5 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई थी, अभी एक अस्पताल में और शायद संभवतः एक और घटना हुई जिसका 6 लोगों की मृत्यु हुई, बाकी लगभग 8-10-11 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं गंभीर रूप से, सभी का समुचित इलाज चल रहा है। SP साहब और हम तत्काल मौके पे पहुँचे थे और स्थिति को देखा था, अभी यहाँ पे भी अस्पताल में है। पुलिस प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है पूरी मुस्तैदी के साथ में लगा है, हम सभी लोग मैं SP साहब और पूरा जिला प्रशासन जो है पीड़ित परिवार के साथ में हैं, उनकी सुविधा है, उनका हम पूरा भरसक उनका इलाज भी कर रहे हैं और जो भी जो हमारे रेड क्रॉस इत्यादि के माध्यम से जो सहायता वेदा दे रहा है वो भी हम उनमें उनको प्रदान करना सुनिश्चित करा रहे हैं। सबसे पहले हमारा उद्देश्य जो घायल है उनकी उनकी जान की रक्षा करना है, जो हम उसमें लगे हैं। देखिए, बखतगढ़ बदनावर के पास के बखतगढ़ के लोग थे, सभी के परिवार वालों से संबंधित पुलिस थाना और संबंधित CSP साहब और SDM इत्यादि ने उनसे संपर्क करके उन लोगों को बुलाया है, सभी के लगभग परिवार के लोग पहुँच चुके हैं और फिर उस एक परिवार की तरह हम भी उनके साथ में हैं। धन्यवाद, थैंक यू। एक दुखद हादसा हुआ है, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या? बिल्कुल दुखद हादसा हुआ है, मेरे विधानसभा रतलाम ग्रामीण का ही ये मामला है, 4 लेन का सातरुंडा चौराहे का, और इसमें 6 लोगों की डेथ भी हो चुकी है, 10 के लगभग भर्ती भी है, गंभीर रूप से घायल भी है, सीरियस है, उनको 2 लोगों को तो इंदौर रेफर करा है और मैं खुद भी यहाँ हॉस्पिटल में आया, मैं संज्ञान में ले रहा हूँ कि इनका इलाज ठीक तरह से हो जाए, अच्छे से हो जाए, ताकि जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और पूरी टीम लगी भी हुई है। और जैसे घटना की मुझे जानकारी मिली, मैं इंदौर था, एक कार्यक्रम था टंटे मामा वाला, तो मैं वहाँ गया हुआ था,
लेकिन जैसे खबर लगी मैंने कलेक्टर साहब से बात करी, एसपी साहब से बात करी, मैंने बड़ा हादसा हुआ है, तत्काल आप वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच भी गए। पहुँचने के बाद एम्बुलेंस वगैरह जो भी व्यवस्था उस समय हुई तत्काल हॉस्पिटल लाए गए हैं और मैं भी यहाँ अभी आया हूँ। विधायक जी, जैसा कि आप बता रहे हैं गहलोत के यहाँ ले आए हैं, एक्सरे मशीनियाँ काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई है और अभी बाहर ले जाना पड़ रहा है सभी को, उसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल गलत बात है, अगर एक्सरे मशीन खराब है तो तत्काल उसको ठीक कराना चाहिए। संज्ञान में आया तो मैं भी बात करूंगा इसके लिए और जो भी दोषी होगा इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। ऐसा थोड़ी चलता है, तो जीवन और मृत्यु का सवाल है, यहाँ तो सारी चीज़ें अपडेट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और जो रोड पे भी जो गति अवरोधक है या जहाँ कमी है उसके लिए बात करके तत्काल वहाँ पे स्पीड ब्रेकर वगैरह बनवाएंगे ताकि आगे ऐसा हादसा ना हो। विधायक जी, इस तरह के कई जो हैं ब्लाइंड स्पॉट हैं विधानसभा क्षेत्र में, उसको लेके क्या आप सीएम साहब? बिल्कुल, सीएम साहब से भी बात करूंगा, माननीय हमारे पीडब्ल्यू मंत्री जी से बात करूंगा, एमपीआरटी से जो भी अधिकारी उनसे भी बात करके ये तत्काल इस पे जहाँ भी कोई कमी होगी उसमें सुधार करवाएंगे और वहाँ पे स्पीड ब्रेकर वगैरह है या सांकेतिक चिन्ह वगैरह जो भी होगा उसका जल्दी से जल्दी पूरी विधानसभा में जहाँ जहाँ भी ऐसा विषय। सीएम साहब का ट्वीट भी आया सामने, क्या सीएम साहब से अपील करेंगे कि बिल्कुल मृत्यु के लिए आर्थिक मृत्यु के लिए आर्थिक सहयोग की बात करेंगे और घायल के लिए भी आर्थिक सहयोग की मैं तत्काल बात करता हूँ। अभी तो यहाँ जैसे खबर लगी मैं यहाँ हॉस्पिटल में आ गया। फिलहाल घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं भीषण सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताते हुए घायलों को समुचित इलाज के लिए आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रतलाम।